ये आकाशवाणी रायपुर है। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन के संग संध्या तिवारी की जय जोहार। अब सुनो आज के प्रमुख समाचार। छत्तीसगढ़ के एकलव्य विद्यालय में पढ़ैया विद्यार्थी मन राष्ट्रपति ले दिल्ली में कनीन सौजन्य भेंट। मुख्यमंत्री आज अंबिकापुर में इंडोर स्टेडियम बनाए और सरगुजा संभाग के जम्मू जिला में शासकीय बीएड कॉलेज खोले की घोषणा करी। और प्रदेश में सतनामी समाज के गुरु बालदास गुरु आसंगदास समेत करीबन 9 जिन आज भाजपा में प्रवेश करी। अब समाचार विस्तार ले। छत्तीसगढ़ में संचालित एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय के 40 विद्यार्थी मन आज नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ले भेंट करी। ये मौका में केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा और केंद्रीय जनजातीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह घलो मौजूद रही। राष्ट्रपति ये लैका मन ले भेंट के दौरान जनजाति विकास जनजातीय गौरव दिवस और उखर शैक्षणिक विकास पर गोट बात करी। ये मौका में राष्ट्रपति छत्तीसगढ़ के अलावा झारखंड ओडिशा मध्य प्रदेश उत्तराखंड और राजस्थान के आदिवासी विद्यार्थी मन ले घलो भेंट करी। ये जम्मू विद्यार्थी मनला राष्ट्रपति भवन और अमृत उद्यान में घुमाएगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज अपन अंबिकापुर प्रवास के दौरान आने आने विकास काम की घोषणा करी। उमर रायपुर के इंडोर स्टेडियम के जैसे अंबिकापुर में घलो इंडोर स्टेडियम बनाए के ऐलान करी। इखर बर 100 करोड़ रूपया दे जाही। राजधानी रायपुर के नालंदा परिसर के जैसन अंबिकापुर में घलो एक डिजिटल लाइब्रेरी बनाए जाही। मुख्यमंत्री सरगुजा जिला में मुक बघिर लैका मन बर एक आवासीय महाविद्यालय खोले के संगे संग सरगुजा संभाग के जम्मू जिला में शासकीय बीएड कॉलेज खोले के घोषणा करी। ओमन सूरजपुर में यूसुफ खेल अकादमी और मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिला में विधि महाविद्यालय शुरू करे जाए के घलो घोषणा करी। प्रदेश के पारंपरिक अखाड़ा के संरक्षण और संवर्धन के संग पहलवान मन के प्रतिभा निखारे बर बजरंग बली अखाड़ा प्रोत्साहन योजना शुरू करे जाही। एकर संग राजधानी रायपुर में राज्य स्तरीय कुश्ती अकादमी स्थापित करे जाही। राज्य में कुश्ती ला प्रोत्साहन देवर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ये दू बड़का घोषणा काली नांग पंचमी के मौका में करी। एकर पहली राज्य में मलखम्ब जैसे पारंपरिक खेल ला प्रोत्साहित करे बर अकादमी शुरू करे की घोषणा करेगी। मुख्यमंत्री कहने की बजरंग बली अखाड़ा प्रोत्साहन योजना के माध्यम ले छत्तीसगढ़ में कुश्ती जैसे पारंपरिक खेल पर एक गांव फेर ले अनुकूल वातावरण तैयार करे के उद्देश्य है। संगे संग प्रदेश में कुश्ती के प्रतिभा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंच में उपलब्ध कराए के मंशा घलो शामिल है। प्रदेश में सतनामी समाज के गुरु बालदास समेत गुरु खुशवंत दास गुरु आसंब दास गुरु द्वारिका दास और गुरु सौरभ दास आज भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश करी। खबर के मुताबिक बछर 2018 में विधानसभा चुनाव ले पहली गुरु बालदास कांग्रेस में शामिल हो गई रही। आज राजधानी रायपुर के कुशाभाऊ ठाकरे परिसर के प्रदेश भाजपा कार्यालय में पार्टी के प्रदेश प्रभारी ओम माथुर प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉ रमन सिंह और सांसद सुनील सोनी के संगे संग पार्टी के विधायक मन की मौजूदगी में ये जम्मू झंडा भाजपा के प्राथमिक सदस्यता दिवाएगी। ये मौका में कुछ के स्थानीय निकाय और जनपद पंचायत के पदाधिकारी मन घलो भाजपा में प्रवेश करी। बीजापुर जिला के कुटरू इलाका ले अगवा करेगे पूर्व सरपंच महेश गोटाला माओवादी मन काली रतिया रिहा कर दीस। पुलिस के मुताबिक महेश गोटा के शरीर में हथियार ले हमला करे के निशान मिले है। ओला घायल अवस्था में सोमनपल्ली के तीर रद्दा में छोड़ दे गई रही। स्थानीय गांव वाले मन पुलिस लेकर जानकारी दी। एकर बाद पुलिस ओमल्ला बीजापुर में प्राथमिक इलाज के बाद जगदलपुर के मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराये गये है। इसी बीच बीजापुर जिला के परेशगढ़ इलाका ले माओवादी मन पाछू रतिया करीबन 50 जिन गांव वाले मल्ला अगवा कर रही से फिर ये गांव के परिवार मन के अपील में ओ मल्ला रिहा घलो कर दीस। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन आप मन आकाशवाणी रायपुर ले सुनत ह। छत्तीसगढ़ के खबर ले है आपके वास्ता और खबर के विश्वसनीयता ले है हमार वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के संगे संग हमार समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के संग अपन मोबाइल में घलो सुन सकत हो। आकाशवाणी समाचार फेसबुक ट्विटर और यूट्यूब में घलो हावय। हमार फेसबुक पेज हरे छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमार यूट्यूब चैनल हरे छत्तीसगढ़ AIR न्यूज।
तो अब रेडियो के संगे संग आपके मोबाइल के माध्यम ले हम आप तक पहुँचा थन। छत्तीसगढ़ के हर खबर पर सुनत रहो आकाशवाणी समाचार। अब आगु बाढ़ बाचे समाचार कोती। महात्मा गांधी के संदेश ला आम मनखे तक पहुंचाए बर साइकिल ले भारत भ्रमण में निकले सामाजिक कार्यकर्ता पद्मश्री डॉक्टर किरण सेठ आज रायपुर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ले सौजन्य भेंट करी। डॉक्टर सेठ संगीत में आधारित सांस्कृतिक संस्था स्पीक मैके के संस्थापक हरे। डॉक्टर सेठ 15 अगस्त 2022 के लद्दाख ले अपन साइकिल यात्रा शुरू करे रही। सौजन्य भेंट के दौरान डॉक्टर सेठ छत्तीसगढ़ में गरीब लयिका मन बर अंग्रेजी माध्यम ले शिक्षा देवाए बर स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय की स्थापना ला एक अच्छा पहल बताई। ये भेंट के दौरान बस्तर बैंड ला पूरा दुनिया में चिन्हारी देवैया पद्मश्री अनूप रंजन पांडे घलो मौजूद रही। राजनांदगांव जिला में युवा मतदाता मन ला मताधिकार के जानकारी देवर जागरूकता रैली के आयोजन करेगी। शासकीय कमला देवी राठी महिला महाविद्यालय ले ये रैली में छात्रा मन के संग एनसीसी कैडेट घलो शामिल हुई। रैली के बेरा प्रतिभागी मन आज लोगन मन ला मतदान के महत्व बताई। स्वीप कार्यक्रम के तहत आयोजित ये रैली में कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी डोमन सिंह घलो शामिल हुई। रायपुर के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के अंतर्गत संचालित 39 शासकीय और निजी महाविद्यालय में वर्तमान शिक्षा सत्र पर बीएससी कृषि ऑनर्स कृषि अभियांत्रिकी और खाद्य प्रौद्योगिकी में बीटेक स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश की प्रक्रिया शुरू हो गई है। एक खबर कृषि विश्वविद्यालय के वेबसाइट के माध्यम ले 20 अगस्त ले ऑनलाइन आवेदन मंजूर करे जावत है। आवेदन जमा करे के आखिरी तारीख 3 सितम्बर हरे। 11 सितम्बर ले काउंसलिंग शुरू होगी। काउंसलिंग में पात्र अभ्यर्थी मनला प्रदेश के कृषि अभियांत्रिकी और खाद्य प्रौद्योगिकी और कृषि महाविद्यालय के स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश दे जाही। ये सत्र में प्रतापपुर शंकरगढ़ और पखांजूर में शुरू हुए 3 नवा कृषि महाविद्यालय मनमा घलो प्रवेश की प्रक्रिया शामिल है। इस संबंध में और ज्यादा जानकारी पर कृषि विश्वविद्यालय की वेबसाइट ला देखे जा सकत है। जांजगीर के विशेष अदालत आय ले ज्यादा संपत्ति के मामला में सहकारी विपणन संघ के पूर्व प्रबंधक राम रतन पांडेला 5 बच्छर के सजा सुनाए है। अदालत ओखर ऊपर 5 लाख रुपए के जुर्माना घलो लगाए है। अदालत के आदेश में राम रतन पांडेला जेल भेज दे गए है। खबर के मुताबिक बच्छर 2016 में एंटी करप्शन ब्यूरो ओखर खिलाफ कार्यवाही करे रही से जेमा 62 लाख रुपया के संपत्ति के खुलासा हो रही से। कोंडागांव पुलिस प्रदेश की आने आने जिला में एक निजी मोबाइल कंपनी के टावर ले बैटरी चोरी करैया अंतर्राज्यीय चोर गिरोह के पर्दाफाश करत 8 जिन सदस्य मला गिरफ्तार करे है। जिला के अनुविभागीय पुलिस अधिकारी निमितेश सिंह बताइन है कि एमएलए 7 आरोपी उत्तर प्रदेश और 1 आरोपी कोंडागांव के रहैया हरे। पुलिस इकहत्तीर ले 32 नग बैटरी और चोरी में बउरे गए 2 ठिन गाड़ी ला जब्त करे है जेखर कुल कीमत करीब 59 लाख रुपया बताये गये है। आरोपी मन ये बैटरी ला बेचे पर दिल्ली ले गत रही। दुर्ग जिला के अंडा थाना क्षेत्र के अंतर्गत तिरगा गांव के तीर आज बिहनिया लयिका मन ला स्कूल ले गत बेरा ई रिक्शा के पलटी ले एमा बैठे 11 ले 9 झीन लयिका मन घायल हो गए। अंडा थाना के प्रभारी अंबिका प्रसाद ध्रुव बताई है कि ये दुर्घटना तिरगा और खुर्सी पार के बीच मुख्य रद्दा में हुई। जम्मू घायल लयिका मन ला दुर्ग के जिला अस्पताल में भर्ती कराये गये है। जी हां उखर हालत खतरा ले बाहर बताई गई है। घटना के सूचना मिलते ही लयिका मन के माता पिता मन तुरते अस्पताल पहुंच गए। आखिर में प्रमुख समाचार एक गांव फिर। छत्तीसगढ़ के एकलव्य विद्यालय में पढ़िया विद्यार्थी मन राष्ट्रपति ले दिल्ली में करीन सौजन्य भेंट। मुख्यमंत्री आज अंबिकापुर में इंडोर स्टेडियम बनाए और सरगुजा संभाग के जम्मू जिला में शासकीय बीएड कॉलेज खोले के घोषणा करीन। और प्रदेश में सतनामी समाज के गुरु बालदास गुरु आसमदास समेत करीबन 9 झीन आज भाजपा में प्रवेश करी। एक संग छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन यही सिरावत है। जय जोहार।